हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको पंचामृत बनाने की रेसिपी दे रही हूँ और इसका रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और कल महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को इसका प्रसाद ज़रूर चढ़ाइएगा। पंचामृत बनाने के लिए बेसिकली 5 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें मिल्क है, कर्ड है, मिश्री है, हनी है और घी है। और ये सारा रेशियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आगे अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो एक पार्ट हम लेंगे घी और 2 पार्ट लेंगे हम शहद के। शहद डालने के बाद अब डालेंगे इसमें मिश्री। तो शहद हमने 2 टीस्पून डाला था, तो अब मिश्री हम 4 टीस्पून डालेंगे। हमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करना है ना, वो क्वांटिटी डबल करते हुए करना है। मिश्री डालने के बाद अब डालेंगे इसमें दही। दही अब हम डालेंगे मिश्री का डबल। तो हमने 4 टीस्पून मिश्री लिया था, तो कर्ड हम लेंगे 8 टीस्पून। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए, स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है। सबसे पहले घी, फिर शहद, फिर मिश्री, फिर कर्ड डालने के बाद अब डालेंगे इसमें गाय का शुद्ध दूध। और इस दूध को हम लेंगे कर्ड से डबल। तो कर्ड हमने 8 टीस्पून लिया था, तो दूध हम लेंगे 16 टीस्पून। और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आप क्वांटिटी चाहे जितनी भी लीजिए, आपको बस डबल करते जाना है। स्टार्ट आपको घी से करना है और लास्ट में सबसे आपको मिल्क डालना है। तो घी का रेशियो 1 टीस्पून रहेगा, फिर शहद होगा 2 टीस्पून, मिश्री होगा 4 टीस्पून और कर्ड होगा 8 टीस्पून, और लास्ट में 16 टीस्पून आपको डालना है मिल्क। तो इस तरह से पंचामृत बन गया। तो आई होप फ्रेंड्स, आप कल महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का इस तरह से अभिषेक करेंगे और पंचामृत का प्रसाद सबको बांटेंगे। वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं आपने ये बनाया घर पे या नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल।